क्यों लोग इस जगह को ना गुरुद्वारा मानते हैं, ना मंदिर मानते हैं, ना चर्च मानते हैं और ना ही मस्जिद मानते हैं। इस जगह को बोला जाता है रसोखाना श्री नाव कमल राजा साहब जी। ये जगह नवा शहर से 15 किलोमीटर आगे मजारा नवाबाद के नाम से लोग प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग गए अंगीठी साहिब में माथा टेकने के लिए। अंगीठी साहिब उसको बोला जाता है जहाँ पर गुरु साहिब का प्रकाश है और जहाँ पर लोग नतमस्तक होते हैं। इस जगह के अंदर 35 किलो सोना लगा हुआ है। और उसके बाद हमने सारा रसोखाना घूमा। तो चलिए जानते हैं कि राजा साहब जी कौन थे। राजा साहब जी का जन्म उनके नानी घर में हुआ था। उनके पिताजी को सपना आया था कि आपके घर में एक पुत्र पैदा होगा जो लोगों की बहुत सेवा करेगा और भगवान का नाम का जाप करेगा। राजा साहब जी 14 साल की उम्र में घर बार छोड़कर लोगों की सेवा करने के लिए निकल गए थे और उन्होंने सारी उम्र गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए वचनों के ऊपर पहरा दिया और उन्होंने इस जगह में बहुत सारे गुरुद्वारों का निर्माण भी करवाया ताकि उनके जाने के बाद भी लोग इन गुरु घरों में आकर भगवान से जुड़ते रहे। इस गुरु घर में सारी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, किचन में और सारे गुरु घर में। सारा गुरु घर आपको एसी देखने को मिलेगा। इस गुरु घर के आसपास सारे गांव NRI है और लोगों की श्रद्धा और मान्यता है कि यहां पर जहाज चढ़ाने से लोगों के फोरन के वीजे भी लग जाते हैं।